आईपीएल सीजन 13 का नौवां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में खेला जा रहा है। बता दें आपको कि पंजाब के दिए गए 224 रनों के लक्ष्य का पीछा राजस्थान रॉयल्स कर रही है यहां पर, और बेहतरीन स्टार्ट यहां पर मिला है राजस्थान रॉयल्स को। बता दें आपको कि पहला विकेट बड़ा जल्दी गिरा राजस्थान रॉयल्स का, और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस बटलर के रूप में झटका लग गया था, लेकिन इसके बाद नौवें ओवर तक स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन 100 रन के स्कोर को पार ले गए, और अभी फिलहाल 10 ओवर 3 गेंदों का खेल हो चुका है और 106 रन बना चुकी है राजस्थान की टीम। ऐसा नहीं है कि ये मैच राजस्थान जीते या ना जीते, लेकिन राजस्थान की टीम ने फाइट बैक बड़ा अच्छा किया है। संजू सैमसन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, तूफानी अर्धशतक ठोकने वाले हैं, 23 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद हैं, 3 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े हैं। राहुल तेवतिया आए, पता नहीं क्यों, क्या करने आए, क्या टीम मैनेजमेंट की सोच है, रियान पराग को क्यों नहीं भेजा गया या फिर जोफ्रा आर्चर को क्यों नहीं भेजा गया एज अ पिंच हिटर, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप अभी रन रोक देंगे तो बाद के बल्लेबाज आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान की टीम जब इतने अच्छे चेस को और इतने सही तरीके से निभा रही थी, तो राहुल तेवतिया को भेजने का मतलब क्या है आखिरकार। राहुल तेवतिया हो सकता है आने वाले समय में रन मारते जब तक खबर हमारी आप तक पहुंचेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर बहुत कुछ सोचने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है। यह मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज है, राजस्थान की टीम ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया है, एंड स्टीव स्मिथ हैट्स ऑफ टू हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 27 गेंदों में 50 रन बनाकर निशम का शिकार जरूर हो गए, लेकिन स्टीव स्मिथ जो कि एक टेस्ट बैट्समैन है उनसे हम ऐसी उम्मीद बड़ी कम करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, आज राजस्थान का फाइट बैक देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी रॉबिन उथप्पा रह रहे हैं, रियान पराग रह रहे हैं, अभी बैटिंग है इनके पास, लेकिन क्या वो पिंच हिटर जो इनको थोड़ा सा 2-3 ओवर का फर्क ला देगा उनके पास है, ये देखने वाली बात होगी। रियान पराग से उम्मीदें हैं, यंग बैट्समैन है, यंग गन है, वो क्या कुछ कमाल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।